इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि विंडो एसी का सिस्टम, यानी विंडो एसी जो भी होती है उस कैसे काम करती है, उस सिस्टम में क्या क्या लगा रहता है, कौन कौन सा पार्ट होती है पूरे विंडो एसी में। आपने कहीं भी देखा होगा जहाँ भी विंडो एसी होती है, तो अगर आपको उस विंडो एसी के बारे में कुछ नहीं पता है, ये विंडो एसी कैसे काम करती है, कैसे हमारे रूम को ठंडा करती है, हमें कैसे कूल ठंडा पड़ा हमें महसूस होता है, एयर कंडीशनिंग, ये सभी सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको विंडो एसी के बारे में कुछ भी नहीं आता है, ए टू जेड कुछ भी अभी तक आपको नहीं समझ में आता है कि एसी कैसे काम करता है, क्या क्या उसके अंदर पार्ट लगे थे, तो आपको इस वीडियो में देखने के बाद आपको पूरा ए टू जेड सब चीज़ पता हो जाएगा। तो आज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम विंडो एसी के सिस्टम के बारे में बताना चाहते हैं कि विंडो एसी के सिस्टम में हमारा तीन सिस्टम मिलकर यहाँ पर काम करती है जो विंडो एसी में लगती हैं। फर्स्ट होता है हमारा मैकेनिकल सिस्टम, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, और थर्ड होता है हमारा एयर फ्लो सिस्टम। तो मैकेनिकल सिस्टम वो सिस्टम होती है कि जिस सिस्टम से, माने एसी के जिस सिस्टम में हमारा जो गैस होती है, रेफ्रिजरेंट जो गैस होती है, उस गैस का क्या होती है, फ्लो होती है, यानी गैस जिस जिस रास्ते से दूसरे जगह से होते हुए जाती है पूरे सिस्टम में फ्लो करती है, माने एक स्थान से दूसरे स्थान तक गैस का क्या होता है, बहाव होता है, माने गैस जाती रहती है। तो वो सभी सिस्टम, जिस भी सिस्टम से वो होकर जाएगी हमारे रेफ्रिजरेंट गैस, वो सभी सिस्टम हमारा मैकेनिकल सिस्टम में आता है। दूसरा सिस्टम हमारा होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम वो सिस्टम होता है कि जो भी हमारे विंडो एसी में, जिसमें हम न्यूट्रल और फेस की सप्लाई, यानी बिजली विद्युत, यानी जो भी होती है हम उसमें बिजली पावर की सप्लाई देते हैं, जिस जिस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में हम जो पावर सप्लाई देते हैं, वो सारी हमारे सिस्टम किस में आती हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। और तीसरा होता है एयर फ्लो सिस्टम। एयर फ्लो सिस्टम वो सिस्टम होता है कि जो हमारा एयर होती है कूल ठंडी होती है, जो हवा ठंडी होती है, वो जिस सिस्टम से होकर आती है वो सिस्टम हमारा एयर फ्लो सिस्टम स्टार्ट कराता है। तो मैकेनिकल सिस्टम में हमारा आता है, फर्स्ट कंपोनेंट आता है पार्ट कंप्रेसर, दूसरा आता है कंडेंसर, तीसरा आता है फिल्टर, और चौथा आता है कैपिलरी ट्यूब, और पाँचवा आता है एवेपोरेटर। ये सारे पाँचों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एसी के लिए, एसी सिस्टम जो काम करती है इन सब सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारा कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर एक प्रकार से ये एसी का एक हार्ट बोला जाता है ना, जो ह्यूमन का हार्ट होता है, इसी प्रकार ये कंप्रेसर भी एक तरह से हार्ट ही कहा जा सकता है। कि ये कंप्रेसर अगर ये ना रहे, किसी भी एसी का मैं बात बोल रहा हूँ, कि वो कंप्रेसर ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, जो उस कंप्रेसर का काम ही मेन होता है कि जो भी रेफ्रिजरेंट गैस होती है उसको ये कंप्रेस कर गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम हमारा कंप्रेसर करता है। फिर वो कंप्रेसर उस रेफ्रिजरेंट गैस को कंप्रेस करके दूसरे स्थान पर जब भेजती है, तो दूसरा हमारे जगह जो वहाँ पर भेजती है उसको हम कहते हैं कंडेंसर। कंडेंसर एक ऐसा पार्ट होती है जिसमें हमारा रेफ्रिजरेंट जो होती है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर जो रहती है, वो उसमें कंडेंसर में आकर वो लिक्विड फॉर्म में, यानी लिक्विड में या द्रव में यहाँ पर चेंज होती है। यहाँ पर वो ठंडा होती है, जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर होती है, फिर वहाँ से वो लिक्विड में फॉर्म में चेंज होने के बाद हमारे पास फिल्टर में आती है। और फिल्टर का मुख्य काम होता है हमारे जो भी उस लिक्विड में अगर कोई भी डस्ट हो, कुछ भी कण हो, उसको ये छानने का एक तरह से काम करते हैं। फिल्टर का मतलब ये होता है छानना या उसको शुद्ध करना, एकदम प्योर में उसको फिल्टर कर आगे के जो भी पार्ट लगे रहते हैं उसमें इसको भेजने का काम करता है। तो जो विंडो एसी है वहाँ पर भी हम फिल्टर का यूज करते हैं, जिसका नाम होता है स्ट्रेनर फिल्टर। जो विंडो में हम यूज करते हैं फिल्टर, वो स्ट्रेनर फिल्टर होता है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो कैपिलरी ट्यूब होता है। कैपिलरी ट्यूब का मुख्य काम होता है कि जो भी प्रेशर होती है उस प्रेशर को हम कैपिलरी ट्यूब, एक बहुत ही पतली पाइप होती है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, उसको प्रेशर को हम लोग कंट्रोल करने का काम कैपिलरी ट्यूब से करते हैं। ये प्रेशर को कंट्रोल करता है, जो हाई प्रेशर होगा तो उसको लो में कन्वर्ट करने का काम हमारा कैपिलरी ट्यूब करता है। इसकी लंबाई कैपिलरी ट्यूब की लमसम 30 से 36 इंच तक, बहुत पतली महीन वायर टाइप के एक तरफ पतली सी ट्यूब होती है ये कैपिलरी ट्यूब, इसका जिसको हम लोग प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है इवेपोरेटर। इवेपोरेटर एक कॉपर या एल्युमिनियम की एक बनी रहती है, ये इवेपोरेटर, जिससे हमारे जो भी कूलिंग होती है एयर, ये यहीं से आकर इवेपोरेटर से हमें फैन के थ्रू, हवा के थ्रू हमें बाहर हमारे रूम में ठंडा हवा प्राप्त करती है या देती है। नेक्स्ट हमारा सिस्टम आता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हम फेज और न्यूट्रल दोनों की पावर की सप्लाई देते हैं। जिस भी हम कंपोनेंट में अगर हम
पार्ट्स में अगर हम बिजली के जिसमें सप्लाई देते हैं वो सारी हमारे सिस्टम इलेक्ट्रिकल सिस्टम आता है। तो कंप्रेसर, कंप्रेसर एक ऐसा पार्ट होता है, मैंने आपको बताया कि इसमें मैकेनिकल सिस्टम भी कंप्रेसर यूज हो रहा है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी। तो कंप्रेसर एक ऐसा पार्ट होती है जो मैकेनिकल भी है और इलेक्ट्रिकल, ये दोनों कंपोनेंट में आता है कंप्रेसर। और इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जाता है कि कंप्रेसर इलेक्ट्रिकल में कंपोनेंट है या मैकेनिकल कंपोनेंट, तो आपको बस सिंपल एक जवाब ही देना है कि कंप्रेसर एक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों ही पार्ट में आते हैं। क्योंकि इसमें हम कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए हमें इसे पावर सप्लाई देने की ज़रूरत पड़ती है, फेस और न्यूट्रल देना ज़रूरी होता है। इसलिए ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी आता है और कंप्रेसर हमारा मैकेनिकल सिस्टम इसलिए आता है कि कंप्रेसर में हम इसमें गैस भी इसमें जाती है, जिसमें वो गैस को क्या करती है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड को कंप्रेस करने का काम करती है। इसलिए हमारा ये कंप्रेसर मैकेनिकल सिस्टम में भी आता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है फैन मोटर। फैन मोटर का ही काम होता है कि जो भी हमारी कंडेंसर जो लगी रहती है और एवेपोरेटर लगी रहती है, इन सभी में हमारा जो फैन मोटर का काम होता है, एक शाफ्ट के थ्रू यहाँ पर फैन मोटर है, देख इधर भी हमारा शाफ्ट जुड़ा रहा है, इधर भी शाफ्ट जुड़ा रहेगा, तो कंडेंसर में इधर भी फैन लगा रहेगा, फैन का ब्लेड लगा रहता है जिससे घूमता है, तो हमारा कंडेंसर क्या होता है, कूलिंग होती है, ठंडा होती है, जिसमें उसमें हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो भी रिफ्रिजरेंट वेपर आता है वो हमारा कूलिंग होकर लिक्विड फार्म में कन्वर्ट होता है। और वेपर से हमारा क्या होता है, अलग अलग वेपर वो लिक्विड फार्म में चेंज होती है, और फैन मोटर से ही हमारा इवेपोरेटर की तरफ जो भी कॉयल ठंडी हवा रहती है वो हमारे रूम को फेंकने का काम हमारा इस फैन मोटर के थ्रू ही होती है। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है स्विंग मोटर। स्विंग मोटर एक ऐसा मोटर होता है जिससे हमारे क्या होते हैं, जो एयर होती है ना ठंडी हवा, वो हमारे बॉडी को या रूम को पूरा डायरेक्ट हमारे शरीर पर ना पड़े, तो स्विंग मोटर का मेन काम होता है कि एयर का फ्लो जो होता है उसको एक डायरेक्शन, उसको एक दिशा देने का काम करती है। आपने कहीं देखा कि ऐसे 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 ये मूव करती है धीरे धीरे, और इसको हम लोग डायरेक्ट स्विंग मोटर को हम 220 वोल्ट की पावर सप्लाई से इसको चलाते हैं, रन कराते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है पीसीबी। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जो भी इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो भी कंट्रोल करने का काम होगा, जो भी कंट्रोल हम पीसीबी के थ्रू ही इसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेलेक्टर स्विच। सेलेक्टर स्विच ऐसा स्विच होता है जिसके थ्रू ही अगर ये पीसीबी नहीं रहेगा जिस सिस्टम में, जिस भी विंडो एसी में, तो सेलेक्टर स्विच रहता है जिससे आप घुमाकर बढ़ाकर घटा सकते हैं कुछ भी, टेम्परेचर को मैनेज कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं इस सेलेक्टर स्विच के। अगर किसी में आपको सेलेक्टर स्विच नहीं देखने को मिलेगा तो वहाँ पीसीबी रहेगा, और यहाँ पर अगर पीसीबी नहीं रहेगा तो आपको सेलेक्टर स्विच भी इस विंडो एसी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इस विंडो एसी के लिए, क्योंकि कैपेसिटर से ही हमारा इसमें दो प्रकार के कैपेसिटर का यूज होता है, एक होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर और एक होता है रनिंग कैपेसिटर। स्टार्टिंग कैपेसिटर का मुख्य काम होता है हमारा कि जो कंप्रेसर होता है उसको स्टार्ट करने के लिए झटका देकर स्टार्ट करने का काम हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर करता है, और रनिंग कैपेसिटर का मुख्य काम होता है हमारा कंप्रेसर को कंटिन्यू या लगातार चलाने के लिए हम रनिंग कैपेसिटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वोल्टेज रिले। वोल्टेज रिले में ही हम क्या करते हैं कि रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ मिलकर कंप्रेसर मोटर को चलाने का काम हम इस वोल्टेज रिले की मदद से ही करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का मुख्य काम होता है कि जो भी कंट्रोल होती है कूलिंग कंट्रोल करने का काम हमारा थर्मोस्टेट से ही हम करते हैं। अगर ज़्यादा हमारा विंडो एसी ज़्यादा ठंडा कर दिया रूम को, ज़्यादा कूल हो गया, तो वो ऑटोमेटिक ये थर्मोस्टेट उसको कटआउट कर देता है, उसको बंद कर देता है। नेक्स्ट हमारा सिस्टम आता है एयर फ्लो सिस्टम। एयर फ्लो सिस्टम जो भी होता है, हमारे एयर जिस रास्ते से निकले उसको हम बोलते हैं, ये ग्रिल होती है, ग्रिल होती है ऐसे जंगले टाइप की होती है, आपने देखा हो ग्रिल होती है उसको हम ग्रिल बोलते हैं। और स्विंग मोटर वहीं उसी पर लगा रहता है जिससे हमारी हवा का क्या होता है मूवमेंट पर डायरेक्शन को ये देती है स्विंग मोटर के। नेक्स्ट हमारा होता है ब्लोअर फैन। ये ब्लोअर फैन जो इवेपोरेटर होता है उसके पीछे ये ब्लोअर फैन लगा रहता है जिससे इवेपोरेटर में जो कूलिंग होती है उसको ब्लोअर फैन की मदद से हमारे हवा को क्या करता है वो आगे भेजने का काम करता है, यानी हवा हमारे पूरे रूम को ब्लोअर फैन की मदद से आगे पहुंचती है। अगर आपको इस वीडियो में पूरे विंडो एसी के बारे में अगर समझ में आ गया है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इस पूरे वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया कि विंडो एसी कैसे काम करती है और विंडो एसी के कौन कौन से पार्ट होते हैं। अगर आपको मेरे चैनल से अगर कुछ भी आपको कमेंट रह गया, कोई सुझाव रह गया, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।